1 फरवरी 2022 से बैंक से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर SBI बैंक के कस्टमर हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट हर मंथ आपको देखने को मिलते रहते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में डिटेल में 1x1 करके न्यू चार्जेस के बारे में जानते हैं जो कि 1 फरवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला अपडेट यहां पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स के लिए एक चार्जेस नहीं अपडेट्स दिया गया है। पहले यहां पर पॉजिटिव पे चे सिस्टम लाया गया था जो कि RBI ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था 2020 में ही, तो कुछ बैंक्स ने इसे फॉलो अप किया था। कुछ ट्रांजेक्शन लिमिटेशन, किसी ने 50,000, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख रखी थी। यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब इसे इंक्रीज कर 10 लाख कर दिया। 10 लाख से ऊपर का जो भी चेक पेमेंट आप करेंगे उसमें पॉजिटिव पे सिस्टम्स को आपको इंक्लूड करना होगा, मीन्स यहां पर बैंक को वेरीफाई करना होगा। जिसे भी आप चेक देते हैं तो आप अपनी डिटेल्स उनकी फिलअप पहले करनी पड़ेगी, जिनको आप चेक इशू कर रहे हैं सारा डिटेल, तब आपका चेक वहां पर विड्रॉ हो पाएगा। तो पॉजिटिव पे सिस्टम आपको अपडेट्स आपके बैंक का बड़ौदा एप्लीकेशन में भी दिख जाएगा, और भी बैंक का आप यूज करते हैं उनके भी टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन यहां पर बैंक का बड़ौदा ने कहा 1 फरवरी 2022 से वो 10 लाख से ऊपर जो भी यहां पर चेक पेमेंट आप करेंगे उसमें पॉजिटिव पे सिस्टम मैंडेटरी होगा। दूसरा अपडेट यहां पर, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कस्टमर है तो ये अपडेट्स आपके लिए। यहां पर ICICI बैंक ने अपने न्यू चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, वहां पर कैश एडवांस के फी के तौर पर वहां पर इंक्रीज किए हैं। जैसे कि जानते हैं आप, यहां पर क्रेडिट कार्ड में आपको कैश इन एडवांस फी देना होता है, तो यहां पर कैश इन एडवांस फी इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन ये 10 फरवरी 2022 से होगा, लेकिन यहां पर फरवरी के मंथ से ही अपडेट्स आ जाएंगे, तो 10 फरवरी को ये चार्जेस इंक्लूड हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में देख रहे हैं, कैश एडवांस भी पहले यहाँ पर जो 350 रुपये या 300 रुपये आपको देने पड़ते थे जो मिनिमम अमाउंट होता था, ऐसे मैक्सिमम अमाउंट 2.5% वो तो एप्लीकेबल होगा ही। यहाँ पर आपको मिनिमम जो अमाउंट पहले कटता था 300 रुपीज़ कटता, तो अब यहाँ पर 500 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आप जैसे ही ATM से कैश विड्रॉ करेंगे कार्ड का यूज़ करके, तो ये कैश इन एडवांस भी आपको देना होता है। तो ATM से कभी भी कैश विड्रॉ आप ना करें, और लेट पेमेंट फी में भी यहाँ पर चार्जेस इंक्रीज किए गए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक स्लैब बनाया गया है लेट पेमेंट फी का, उसके अंडर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह के चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। पहले 5,000 और 10,000 के बीच का यहाँ पर लेट पेमेंट फी होता था, तो 500 रुपीज़ प्लस GST पे करना होता, तो अब वही चार्जेस आपको 750 रुपये प्लस GST पे करना होगा। 10,000 से 25,000 के बीच का यहाँ पर लेट पेमेंट फी होता था, 750 रुपये देने होते थे, तो यहाँ पर अब 900 रुपये आपको देने पड़ेंगे 10 फरवरी 2022। वही आगे आप इंक्रीज़ करेंगे, 50,000 से ऊपर का आपका लेट पेमेंट फी होता, तो पहले भी 750 रुपये प्लस GST लेट पेमेंट फी काटा जाता था, अब यहाँ पर आपको 1,200 रुपये प्लस GST यहाँ पर लेट पेमेंट फी लिया जाएगा। तो ये चार्जेस आपको फेस करने पड़ेंगे आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं। तो और भी यहाँ पर चार्जेस इंक्रीज किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ओवर लिमिट के चार्जेस, रिटर्न चेक के चार्जेस, उसमें भी यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो सेट थी 450 रुपये उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। तो ये कुछ खास चार्जेस नहीं है, लेकिन जो लेट पेमेंट फी है और यहाँ पर जो कैश इन एडवांस भी नॉर्मली फेस करना पड़ता है, जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर है न्यू वो इस तरह के गलती करते हैं, तो उनको इन तरह का चार्जेस फेस करना पड़ सकता है। तो ये अब ज़्यादा हो गया, तो आपको आगे से इन चार्जों के बारे में ध्यान रख के ही कार्ड को यूज़ करना है। तीसरा अपडेट यहाँ पर SBI बैंक कस्टमर्स के लिए, SBI ने इंट्रोड्यूस किया है कि वो IMPS ट्रांजेक्शन्स की लिमिट बढ़ा दी। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 2 लाख से आप 5 लाख रुपये IMPS का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो अगर आप 5 लाख रुपये ट्रांजेक्शन्स करते हैं 2 लाख से 5 लाख के स्लैब में, तो वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। ध्यान रखना ये कैश मतलब बैंक से जाके आप IMPS करते हैं तभी ब्रांच चैनल्स के लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देना होता है। क्लियरली यहां पर मेंशन है कि ये सिर्फ बैंक यूज के लिए, यानी कि बैंक से जाके आप ट्रांसफर वगैरह करेंगे तब ये चार्जेस फेस करने पड़ेंगे, जैसा कि NEFT RTGS वगैरह में भी होता है। बैंक से आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको चार्जेस देने होते हैं, ऑनलाइन करते हैं तो बिल्कुल ही फ्री होता है, कोई चार्जेस आपको नहीं देने होते। चौथा अपडेट यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक कस्टमर्स के लिए, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको ज्यादा अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होगा। हालांकि ये चार्जेस 15 जनवरी के बाद से ही एप्लीकेबल हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि मिड जनवरी से अपडेट्स आ गया था। तो मैंने पिछले जो मंथ का वीडियोज बनाया था वो दिसंबर में ही बन गया था, ये अपडेट्स आया मिड जनवरी में, तो मैंने इसीलिए फरवरी मंथ में से इंक्लूड किया। तो ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे नहीं, ऑलरेडी हो चुके हैं 15 जनवरी के बाद से। तो क्या चार्जेस हैं, तो अकाउंट मेंटेनेंस अगर आप पहले करते थे तो अलग अलग स्लैब था एरिया वाइज, जैसा कि आप लोग को पता है रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रोस को एक कैटेगरीज में रखा जाता था। अब क्या है, पंजाब नेशनल बैंक ने जो अपने
क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो जो है रूरल एरिया के लिए अलग, यहाँ पर सेमी अर्बन के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग और मेट्रो सिटीज़ के अलग। तो यहाँ पर जो स्लैब चेंज किया है तो सेमी अर्बन तो एक ही में है लेकिन अर्बन और मेट्रो को अलग कर दिया गया। पहले अर्बन और मेट्रो एक ही अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता लेकिन अब मेट्रो सिटीज़ वाले के लिए 10,000 रुपीज़ यहाँ पर अकाउंट बैलेंस मेंटेन इनको करना पड़ेगा। लेकिन ये मंथली नहीं है, क्वार्टरली है, तो ये आपको ध्यान रखना। प्राइवेट बैंक में यहाँ पर जनरली होता है मंथली एवरेज बैलेंस, ये क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स के अंदर ये अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता, तो ये चार्जेस रिवाइज किए गए। और भी यहाँ पर चार्जेस हैं जैसा कि अकाउंट क्लोजर चार्जेस, यानी कि 15 दिन के अंदर आप अकाउंट क्लोज कराते हैं अपना करंट अकाउंट तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उसके बाद अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो पहले ये चार्जेस 600 रुपीज़ थे, इसे बढ़ाकर अब 800 रुपीज़ कर दिया गया। तो आपको अकाउंट क्लोजर के चार्जेस यहाँ पर इंक्रीज किए गए हैं। और यहाँ पर एक चार्जेस और, कैश डिपॉजिट के चार्जेस जो होते हैं जिसे कैश हैंडलिंग चार्जेस कहते हैं, काफ़ी बैंक ये चार्ज काटती है, तो उसमें भी यहाँ पर चेंजेस किया गया है। पहले यहाँ पर अप टू 2 लाख तक फ्री होता था पर डे, लेकिन अब उसे घटाकर सिर्फ 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया। तो आप 1 लाख ही कैश डिपॉजिट करेंगे, उसके अलावा कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद 10 पैसा करके आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये चार्जेस लगभग सभी बैंकों में होते हैं लेकिन अमाउंट यहाँ पर अलग अलग होता है। तो ये चेंजेस यहाँ पंजाब नेशनल बैंक ने कर दिया है। पहले जो पर डे का कैश डिपॉजिट जो यहाँ लिमिट थी वो 2 लाख रुपीज़ थी, उसे घटाकर अब 1 लाख रुपीज़ कर दिया। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बैंक सब 1 लाख के बाद से ही आपको चार्जेस लगाने स्टार्ट कर देगी कैश हैंडलिंग फ़ी करके। यहाँ पर लॉकर रेंट में भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने इंक्रीज़ किया, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा होगा, जो चार्जेस पहले 1500 रुपये थे सेमी अर्बन मेट्रोज़ के लिए तो उसे बढ़ाकर 2000 रुपीज़ कर दिया गया, 3500 कर दिया है, 5500 में तो आप जो यहाँ पर यूज़ करते हैं लॉकर रेंट तो वो इसे इंक्रीज़ कर दिया, तो वो आम कस्टमर्स के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, फिर भी ये अपडेट्स है तो मैंने सोचा इसे भी आपको इंक्लूड कर दूं, तो ये चार्जेस भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। 5वां अपडेट यहाँ पर एक्सिस बैंक कस्टमर्स के लिए, लेकिन वैसे कस्टमर नहीं जो रेगुलर कस्टमर, उनके लिए स्पेशल कैटेगरीज़ के जो करंट अकाउंट खुलते हैं उनके लिए, तो ये इतना यूज़फुल नहीं है ये अपडेट्स, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि 1 फरवरी 2022 से जो करंट अकाउंट स्पेशल कैटेगरीज़ में खोले गए हैं उनमें चार्जेस में इंक्रीज़ करने का प्रावधान है। जो हायर ट्रांजेक्शन जैसे करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम या ज्वेलरी अकाउंट करंट करके खुलवाते हैं तो करोड़ों ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं उसमें इंक्रीज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2022 से इफेक्ट में आएंगे, रिवाइज़ किया चार्जेस को लेकर जो स्पेशल कैटेगरीज़ के करंट अकाउंट होते हैं, तो वहाँ वो करंट अकाउंट के कोड्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रपोजल दिया गया है कि अप टू 3 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन होता था तो वहाँ पर कम चार्जेस होते थे, 1.5 रुपीज़ पर 1000 करके यहाँ पर चार्ज देना होता था, उसे अब इंक्रीज़ करके यहाँ पर 3 रुपीज़ किया जा रहा है पर 1000 के ऊपर। तो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, तो उस तरह के चार्जेस जो भी हैं उनमें यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया। कॉमन कस्टमर्स के लिए तो ये चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए नहीं है। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि 1 फरवरी 2022 से आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल अपडेट यहाँ पर है, बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर अगर आप हैं तो IMPS चार्जेस उन्होंने भी इंक्रीज़ किया, जैसे कि SBI ने इंक्रीज़ किया है। तो आप अगर अप टू 5 लाख रुपीज़ तक IMPS ट्रांजेक्शन बैंक से करते हैं ब्रांच से जाके तो आपको 5 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, मीन GST चार्जेस देने पड़ेंगे। ऐसे जो चार्जेस था 2 लाख रुपीज़ तक का 3 रुपये प्लस आपको GST चार्जेस देने होते थे, तो थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट बैंक से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरे चैनल पर हर मंथ आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स चार्जेस से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाते हैं। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये अपडेट्स कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकें, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर दिख रही होगी। मेरा सेकंड चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग से रिलेटेड मैं वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ तो आप उसे भी जाके यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जाके आप ज्वाइन कर लें।